नमस्कार स्टूडेंट, टुडे वी विल डू द वर्क इन वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वर्क इन वर्कशीट वी नीड टू रीड क्विक रिव्यू अबाउट चैप्टर 5 सऊदी अरेबिया. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न इन द चैप्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, दैट सऊदी अरेबिया कैसा है, हाउ इज इट, इट इज़ इन डेजर्ट रीजन. ओके, सो हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड नियर 23.5 degrees north and 23.5 degrees south latitude. Okay, and Saudi Arabia is a southwest country of Asia which lies in the hot desert region. Okay, what is the location of Saudi Arabia? Southwest country, it is a southwest country of Asia which lies in the hot desert region. Now, Saudi Arabia lies between Red Sea and the Persian Gulf. Okay, and it has a hot and dry climate. How is the climate? Hot and dry. Okay, now the camel is the most common animal of this region because it has long feet, long legs and padded feet, and it can survive without water and food for many days. Okay, and dust storms and sand dunes are common here. यहाँ पर क्या है बच्चों कि dust storm यानी धूल, रेत भरी आंधी, भरी बहुत तेज हवा जो होती है उसे storm कहते हैं, वो common है. एक जगह से दूसरी जगह sand यहाँ से उड़कर दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं विंड की थ्रू, और ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते. आज अगर सैंड यहाँ पर डिपॉजिट हुई, यहाँ पर कलेक्ट हुई, सैंड ड्यून्स यहाँ बने, तो कल यहाँ से इरोज हो जाएंगे और वो दूसरी जगह पर बन जाएंगे. ओके, नाउ देयर आर सेटलमेंट्स अराउंड द ओएसिस. एंड व्हाट इज ओएसिस? ओएसिस क्या है? ओएसिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन सी द वेजिटेशन. ओके, एंड इन सम एरिया द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस लीडिंग टू वेजिटेशन इन सराउंडिंग एरिया. ओएसिस ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ डेजर्ट में हमें पानी मिल सकता है, और इसे ओएसिस का मतलब होता है बच्चों चमत्कार, मैजिक. ओके, मैजिक क्यों? कि एक डेजर्ट रीजन जो बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, वहाँ पर कहीं से एकदम पानी निकल आता है. तो वो ओएसिस में पानी कहाँ से आता है? कि किसी जगह पर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और वहाँ पर पानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर दिखने लगता है, और इसी वजह से ओएसिस के चारों तरफ जो है वेजिटेशन ग्रो हो जाते हैं. नाउ द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन सऊदी अरेबिया. बिफोर द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द पीपल वर द बेडुइंस. बेडुइंस आर द स्पेशल नोमेड्स ऑफ सऊदी अरेबिया. ओके, यहाँ के पीपल का लाइफ स्टाइल कैसा था? नोमेड्स थे वो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके अपनी जो लिवलीहुड थी वो कंप्लीट करते थे. नाउ लाइफ इन द विलेजेस ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ वेरी ट्रेडिशनल. अभी भी जो सऊदी अरेबिया के जो विलेज के लोग हैं वो ट्रेडिशनल लाइफ स्पेंड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ हैज सेटल इन द सिटीज़. ओके, एंड स्पेंडिंग द मॉडर्न लाइफ. एंड मक्का एंड मदीना इज सऊदी अरेबिया, इन सऊदी अरेबिया आर द होली प्लेसेज ऑफ मुस्लिम्स. और मक्का एंड मदीना क्या है बच्चों? सऊदी अरेबिया की टू होली प्लेसेज हैं. ओके, एंड मुस्लिम्स के लिए, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा होली प्लेस है. ओके, नाउ द सिटी इज लाइक रियाद. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड जेडा इंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी, एंड जेडा हैज पोर्ट. जेडा इज अ पोर्ट सिटी. जेडा में क्या है? रियाद के अंदर पोर्ट है, सॉरी जेडा में पोर्ट है, एंड रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द वर्क इन अवर वर्कशीट. सो डे 1 इज चैप्टर 5 सऊदी अरेबिया. ओके, सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा. आंसर इज सहारा. द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा. डन स्टूडेंट. नाउ द सेकेंड इज द सहारा डेजर्ट लाइज इन द
नॉर्थ नॉर्दर्न अफ्रीका, ओके, ये अफ्रीका के नॉर्थ साइड में है, कौन, सहारा डेजर्ट और अफ्रीका के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। एंड द थर्ड इज डैस इज द पार्ट ऑफ द अरेबियन डेजर्ट, सऊदी अरेबिया इज द पार्ट ऑफ द अरेबियन डेजर्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सो आवर आंसर इज रियाद, रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज सऊदी अरेबिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक एंड जॉर्डन आर इन नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज आर नॉन एज नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच आर द ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज, ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, देन कतार, बहरीन, UAE आर द ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच सी इज इन द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, सो विच सी इन द साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया, बच्चों रेड सी, रेड सी इज इन द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके। नाउ द डे सेकेंड इज डे टू, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया इज सिचुएटेड इन द मिडल ईस्ट एशिया, ओके, वेयर सऊदी अरेबिया इज सिचुएटेड, मिडल ईस्ट एशिया, ओके। नाउ द सेकेंड इज द स्मॉल हिल्स इन द डेजर्ट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जब सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर विंड चलती है तो जो वहाँ की सैंड है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है और इस तरीके से छोटे छोटे हिल्स बनाती है, एंड दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ओके। नाउ थर्ड इज समर्स आर वेरी हॉट इन दिस रीजन, हाउ इज समर, समर्स हाउ आर समर्स, समर्स आर वेरी हॉट इन दिस रीजन। नाउ द फोर्थ इज डैस इज वेरी हाई इन दिस डेजर्ट, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, वेरी के बाद आपको हाई लिखना है यहाँ पे, सो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस डेजर्ट। वॉट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स, सो फर्स्ट इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद, ओके। नाउ सेकेंड इज वन ऑफ द हॉट डेजर्ट इज, ये एक हॉट डेजर्ट है, तो कौन सा, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट भी हॉट डेजर्ट में ही आता है, ओके। नाउ इट इज द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, सो जॉर्डन इज इन द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डे टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट इज विच आर द टू हॉट डेजर्ट इन एशिया, स्टूडेंट कट हियर सऊदी अरेबिया एंड राइट एशिया, राइट डाउन हियर एशिया, ओके। नाउ द आंसर इज द अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट आर टू हॉट डेजर्ट इन एशिया, एशिया मीन्स एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया क्या है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज टू हॉट डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन अरब एम्पायर एंड द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज विच सी इज इन द वेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया, विच सी इज इन द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, स्टूडेंट इन द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया We have the Red Sea, okay? We have Red Sea in the west side. And third is, where is Saudi Arabia situated? In the Middle East of Asia, okay? Saudi Arabia is situated in the Middle East of Asia. Now the day third.
Now day 3, first question is, answer in one word. First is, what is the main crop in Saudi Arabia? Date palms, wheat and barley are the main crops of Saudi Arabia. Date palm is a fruit. Okay, now which fruit is mostly found in Saudi Arabia? Date palms. Okay, now the which is the most common animal of Saudi Arabia? Camel. Camel is the most common animal of Saudi Arabia. Okay student, now the second question of the day 3 is, fill in the blanks. And the first question of it, the head of the Arab family is known as Sheikh. Okay, who known as Sheikh? The head of Arab family is known as Sheikh. Now the second is, lizards and scorpions are the common insect found in these deserts. Okay, now the third is, we can see oasis plants and bushes in these desert. इस desert में हमें oasis भी देखने को मिलते हैं, कुछ plants भी जो oasis के पास grow हो जाते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं. Now dash oasis, so oasis is underground water which comes out to the surface of area. Oasis एक ऐसी जगह है जहाँ पर underground water surface के ऊपर आ जाता है and leading the vegetation. Okay, now next is day four, question number 1, fill in the blanks. The cotton robes that men wear are called thob. Okay, and the long robes women wear are called aba. And the Saudi Arabia is the biggest producer of petroleum. Okay, now the next question is question number 2 of exercise 4. Okay, now the match the following. So desert will match with C number option, cactus thorny bushes, and the Saudi Arabia will match with the A number option. The capital of Saudi Arabia is Riyadh, and the Sahara will match with the B number, hot desert. Sahara is a hot desert. And on the west side we have Jordan. Sorry, Red Sea. Red Sea, Saudi Arabia ke west side mein kya hai? Red Sea. And on the north side we have Jeddah. And the question number, exercise number 3, answer in one word. So first question is, which animal is called the sheep of desert? Camel is called the sheep of desert. What type of feet does a camel has? Camel has padded feet. Okay, padded feet. Now a place in the desert where there is water. अब वो प्लेस जहाँ पर डेजर्ट में पानी पाया मिलता है उसे क्या कहते हैं? ओएसिस. ओके, नाउ द डे फाइव, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज, मक्का एंड मदीना इज द पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स. मींस धार्मिक स्थल है मक्का एंड मदीना किसके? मुस्लिम्स के. नाउ द सेकेंड इज, द कैमल इज द कॉमन एनिमल ऑफ द. कैमल क्या है बच्चों? इस रीजन का कॉमन एनिमल है. एंड थर्ड इज, इन दिस रीजन विंड इज वेरी हॉट एंड ड्राई. ओके, नाउ द एक्सरसाइज नंबर 2, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स. दीज प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन दीज डेजर्ट. सो कट द ऑप्शन बच्चों, जो यहाँ पर दिया हुआ है ओएसी से ये बाय मिस्टेक हो गया. सो राइट हियर कैक्टस, तो आंसर विल बी कैक्टस. एंड दिस द कंट्री रिच इन पेट्रोलियम. सो कुवैत इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम. दिस इज अ पैच ऑफ लैंड इन द डेजर्ट दैट हैज़ वाटर. सो ओएसी इज अ पैच विच हैज़ वाटर इन द डेजर्ट. ओके, सो डन. एंड द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3, आंसर इन वन वर्ड. Name another country rich in petroleum. So answer is Kuwait. You can write other countries like Dubai, okay, Oman. यहाँ भी petroleum पाए जाते हैं. Which cities have all modern facilities? Riyadh has all modern facilities. We can also write here Riyadh and Jordan. Okay,
एंड थर्ड क्वेश्चन इज विद व्हाट डू द वुमेन कवर देयर फेस. सो द वुमन कवर देयर फेस विद अ